अगला जो क्वेश्चन है वो इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है और कैपेसिटर से रिलेटेड है, है ना। इससे रिलेटेड हमने थ्योरी बताया हुआ है, अगर वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा तो उस वीडियो लेक्चर का एक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एक फॉर्मूले में एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे मैं डिटेल सोल्यूशन भी बताऊँगा इसका। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है 60 पीको फेराड कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाई अ 20 वोल्ट सप्लाई। मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 60 पीको फेराड, मतलब 10^-12 फेराड ऐसे कह सकते हैं। इसको 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया गया है, ठीक। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। डिसकनेक्ट करने के बाद भी चार्ज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहेगा। एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 60 पीको फेराड कैपेसिटर इन पैरेलल। एक दूसरा कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, यह भी 60 पीको फेराड का ही है, है ना, ये अनचार्ज है। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, है ना। दो कैपेसिटर को जब भी जोड़ा जाएगा तो ये पैरेलल में अपने आप हो जाते हैं। ये भी 60 पीको फेराड का है और ये भी 60 पीको फेराड का है। इसको 20 वोल्ट तक चार्ज किया गया था, इसको चार्ज नहीं किया गया था, 0 वोल्ट था शुरू में, ऐसे कह सकते हैं, चार्ज होने से पहले। फाइनली स्टेडी स्टेट में क्या होगा, शुरू में चार्ज एक से दूसरे में फ्लो करेगा और फाइनली स्टेडी स्टेट में दोनों पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो पूछा क्या गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस बाय द टाइम द चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। मतलब जो चार्ज है एक से दूसरे में जाएगा उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा, स्टेडी स्टेट में चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, है ना। तब उस दौरान कितनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तो मैंने बताया जिस फॉर्मूले के बारे में, वो फॉर्मूला ये होता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है हाफ C1C2 बाई C1+C2 इंटू V1-V2 का होल स्क्वायर, है ना। C1C2 क्या है, ये दो कैपेसिटर हैं जिनको जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, C × C, C + C, C का वैल्यू है 60 पीको फेराड। अच्छा V1 क्या है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से C1 को चार्ज किया गया है, और V2 है जिस पोटेंशियल डिफरेंस से C2 को चार्ज किया गया है। तो V1 जो है यहाँ पर 20 वोल्ट दिया गया है, C1 को 20 से चार्ज किया गया था और C2 अनचार्ज है इसलिए उसको 0 लिखा है हमने, ठीक। तो 1/2 ये देखेंगे, ये हो जाएगा C/2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, है ना। C का वैल्यू है 60 पीको फेराड, तो 60 × 10^-12 / 2 × 2 4 हो गया और ये हो गया 400, है ना। तो ये देखेंगे यहाँ से आ जाएगा 6 × 10^-19 जूल, इसको हम लोग 6 नैनो जूल भी लिख सकते हैं, है ना। ऑप्शन में जो है यहाँ बताया गया है नैनो जूल में यूनिट रखना है हमें, तो 6 नैनो जूल आ गया। तो एक तो ये तरीका था, फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि पहले जब 20 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया है, है ना, 20 वोल्ट से चार्ज किया गया तो इस पर कितना चार्ज आया होगा पहले तो हम लोग ये पता करेंगे, है ना। तो यहां पर चार्ज आएगा Q = C × V, 60 × 20, है ना। तो ये आ जाएगा 12 × 10^-10, इतना कूलम चार्ज इस पर आएगा, ठीक। इस पर कोई चार्ज नहीं है, स्टेडी स्टेट में फाइनली क्या होगा, यह 60 है और यही 60 पीको फेराड का दोनों है, तो दोनों पर ये जो चार्ज है आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस केस में। तो ये 12 है तो ये आएगा 6 × 10^-10 इस पर और 6 × 10^-10 इस पर, यह आ जाएगा। शुरू में देखेंगे इसके पास एनर्जी था इसके पास नहीं था, तो डेल्टा यू निकालेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी उसमें था हाफ, सी का वैल्यू रखेंगे 60 × 10^-12
इंटू वी स्क्वायर, वी था 20, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, माइनस यहां पर अभी एनर्जी कुछ बची हुई है, ये एनर्जी कितनी बची है, हाफ। देखेंगे कि यहां पर ये चार्ज है इतना, पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहे तो निकाल सकते हैं, यहां का पोटेंशियल नया पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वी, वो आएगा क्यू बाई सी, है ना, 6 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाई सी, 60 × 10⁻¹২. ठीक, तो ये देखेंगे ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि आ जाएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट यहां पर आ गया, 10 वोल्ट यहां पर आ गया। ठीक, तो फाइनल एनर्जी अगर इनका निकालना हो तो लिखेंगे हाफ, सी का वैल्यू है 60 × 10⁻¹২ इंटू वी का स्क्वायर, वी जो है वो अब 10 है, तो एक की एनर्जी इतनी है, दूसरे वाले की भी एनर्जी इतनी ही होगी, तो मैं इसको दो बार ऐड भी कर सकता हूं या दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये फाइनल एनर्जी हो गई, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, आप सोल्व करके देखेंगे तो एग्जैक्टली ये इतना ही आएगा, 6 × 10⁻¹⁹, है ना, ये 10⁻¹⁹ है ना, ये भी 10⁻¹⁹ होगा, और इसीलिए इसको 6 नैनो जूल लिख सकते हैं।